नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करता हूं कि जिस भी एंट्रेंस एग्जामिनेशन की तैयारी आप कर रहे होंगे, जिस भी कोर्स में, वो तैयारी अच्छे तरीके से चल रही होगी और आप ज़्यादा से ज़्यादा समय अपने रिवीजन पे दे रहे होंगे, मॉक टेस्ट पे दे रहे होंगे। तो इस वीडियो को बनाने का मेरा मुख्य मकसद ये है कि OMR शीट भरते समय कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं जो आपको ध्यान रखनी होगी। OMR शीट क्या होती है कि ऑफलाइन जो भी एग्ज़ामिनेशन आप देंगे और जहाँ पे भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे, तो वहाँ पे कुछ जो आपको यहाँ सामने दिख रही है, इस तरह की कुछ शीटें होती है, आंसर शीट होती है, जिसको कहते हैं OMR शीट। OMR का फुल फॉर्म होता है ऑप्टिकल मार्क रिकग्निशन, जो कि एक मशीन से चेक होता है। आपके आंसर चेक किए जाते हैं, उसी प्रकार से आपकी मार्किंग की जाती है। तो चूंकि BHU एंट्रेंस एग्जामिनेशन के अब कुछ ही दिन बाकी रह गए हैं, लगभग 10 दिन बाकी हैं, तो आपको मैं बता दूं कि OMR शीट भरते समय किन किन बातों पर ध्यान रखना होगा, ताकि आपसे गलती से भी कोई गलती ना हो सके। ऑलराइट, तो कृपया मेरी बातों को ध्यान से सुनिएगा और सुनने के बाद में, देखने के बाद में मैक्सिमम लोगों तक शेयर भी ज़रूर कीजिएगा, ताकि मैक्सिमम लोग इससे लाभान्वित हो सके, अपनी चीज़ों को जान सकें, OMR शीट भरते समय कोई भी गलती ना करें तो ज़्यादा बेहतर है, रिजल्ट पॉजिटिव होगा। सबसे पहला नंबर बात तो ये है कि आंसर भरने से पहले आपको कुछ परफॉर्मा भरना होता है इसमें। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, आपके सामने है राइट साइड में रोल नंबर लिखा हुआ। रोल नंबर भरते समय कभी भी कतई गलती ना करें, अच्छे तरीके से रोल नंबर पहले भर लें। इसके बाद में आपने लिखना होता है या भरना होता है आपका की, जो भी आपका क्वेश्चन बुकलेट है उसका सेट नंबर ABCD होता है, तो उसमें से जो भी आपका सेट होगा उसको आपको भरना होगा इस जगह पे लेफ्ट साइड में, या उस हिसाब से कुछ थोड़ा बहुत चेंज भी हुआ होगा तो जहाँ पे भरना होगा वही भरिएगा। अगर ए है तो ए भरिएगा, बी है तो बी भरिएगा, सी है तो सी भरिएगा, इस तरीके से भर लीजिएगा। नेम इन कैपिटल लेटर्स लिखना होगा, फादर्स नेम लिखना होगा, सिग्नेचर करना होगा, इतना रहा नॉर्मल परफॉर्मा। लेकिन या एक बात ध्यान रहे कि परफॉर्मा भरते समय कभी भी गलती मत कीजिएगा, बिल्कुल आराम से भरिएगा और किसी भी तरीके की कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, शांति से करेंगे ये काम तो बेहतर होगा। मैं आपसे ये भी उम्मीद करता हूँ कि आपने ज़रूर ही मॉक टेस्ट के लिए ये शीट खरीदी होगी। OMR शीट मार्केट में उपलब्ध है और इससे अगर प्रैक्टिस कर रहे होंगे तो आपसे कोई गलती होने के चांसेस नहीं है मेन एग्जामिनेशन में। इसके बाद दूसरी बात ये है, अब आते हैं आंसर पे। आंसर जब भरते समय आपको एक बात ध्यान में रखना है कि सबसे पहले आपने ये करना है कि जितने भी क्वेश्चंस आते हैं शुरू से लेकर अंत तक, 1 से लेकर 150 तक, 1 से लेकर 120 तक के क्वेश्चंस में से जितने भी क्वेश्चन एक बार में आपको सही सही आते हैं, उनको सबसे पहले आप मार्क कर लो अपने क्वेश्चन बुकलेट में, और इसके बाद आराम से देख देख के अपने OMR शीट में उसको मार्क कर लो। गोला लगाते समय या बबलिंग करते समय कभी भी गलती मत करना, क्योंकि इसमें गलती होने के चांसेस इसलिए होते हैं क्योंकि सारे बबल्स एक जैसे दिखते हैं, सारे क्वेश्चंस के सामने, नंबरिंग के सामने बबल दिए होते हैं, तो हो सकता है एक और दो मैंने दोनों किए हैं और दोनों का आंसर, एक का आंसर सी है, एक का आंसर बी है, तो गलती से इसमें गलती हो जाती है कि सी के जगह बी भर दिया, तो ऐसी गलती नहीं करनी है। इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि शांति से पहले 1 से 120 क्वेश्चन तक जितने भी क्वेश्चंस आते हों, मान लीजिए 50 ही क्वेश्चन आपको आते हों सही सही, तो 50 क्वेश्चंस पहले अपने क्वेश्चन बुकलेट में मार्क कर लिया और फिर आराम से OMR शीट में जो आपको अभी स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है उसमें आराम से 1 से 120 तक, 1 से 100 तक, 1 से 150 तक में जो भी क्वेश्चन है उसी के नंबर के सामने आपने उसी में गोला लगाना है, उसी में बबलिंग करनी है। ये बात रही महत्वपूर्ण। इसके बाद दूसरी बात यह है कि OMR भरते समय कभी भी कोई भी क्वेश्चन नंबर गलती नहीं करनी है। गलती करेंगे तो आपको भुगतना पड़ेगा उसका। एक भी क्वेश्चन गलत हो गया तो आपका वो रिजल्ट बिगाड़ सकता है, आपका मेरिट में वो अलग स्थान पहुँचा सकता है। अगली बात यह है कि एक बार 1 से लेकर के 120 या 150 तक के प्रश्न के में जितना आया उतना कर लिया, फिर दोबारा एक से देखना शुरू किया,
दोबारा देखना शुरू किया। अब हमें जो क्वेश्चंस प्रोबेबल लग रहे हैं या लग रहा है कि ये क्वेश्चन मैं बना सकता हूँ फटाफट, तो उस पर कोशिश कीजिए। अब जैसे ही कोशिश करने के बाद वो मान लिया जाए हमने पहली बार में पाँचवें नंबर क्वेश्चन को छोड़ दिया था, वो हमें नहीं आया था, और इस बार सेकंड टाइम में जब हमने ये रिपीट करना शुरू किया तो पाँचवा क्वेश्चन हमसे सॉल्व हो गया, तो पाँचवा क्वेश्चन के सामने फटाफट ओ एम आर शीट में पाँच के नंबर के सामने हमने क्या कर देना है, बबलिंग कर देनी है। तो इस तरीके से क्या होता है कि छूटने के चांसेस नहीं रहते हैं, कोई भी चांसेस नहीं रहते हैं, और इस तरह की तरीके से फिर से एक से लेके 120 तक जाएं, और जो जो क्वेश्चन छोड़ा था आपको लगता है कि ये क्वेश्चन अगर मैं कर सकता हूँ तो उसको ओ एम आर शीट के सामने, उस क्वेश्चन के सामने ज़रूर बबल कर दीजिए। ये रही और महत्वपूर्ण बात। अब लास्ट में क्या करना है आपने कि जितने भी क्वेश्चंस आपने बुकलेट में किए हैं उसको मैच कर लें एक बार अपने ओ एम आर शीट से, कि अपने आंसर शीट में क्या क्या क्वेश्चंस, कौन कौन से क्वेश्चंस भरे हैं। अगर गलती से ऐसा भी होता है कई बार कि कोई क्वेश्चन आपसे छूट जाता है, आपने क्वेश्चन बुकलेट में तो किया है लेकिन ओ एम आर शीट में नहीं किया है, तो ये महत्वपूर्ण बात थी। ऑप्टिकल मार्क रिकग्निशन यानी कि ओ एम आर शीट भरते हुए BHU एंट्रेंस एग्जामिनेशन के समय आपको ध्यान रखने की बातें, बहुत लोग गलती कर देते हैं, इसलिए मैंने सोचा कि ये वीडियो आप तक पहुंचाने की कोशिश करूं। कृपया करके इस वीडियो को मैक्सिमम लोग तक शेयर जरूर करें। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, और अगर इस चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके सब्सक्राइब कर लें। रिगार्ड्स महामना एजुकेशन हब, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर ब्राइट फ्यूचर। गॉड ब्लेस यू ऑल।